आज तक आप लोगों ने बिंटन के जितने भी फ्लाइंग टाइप एलियंस को देखा है उनमें से स्टिंग फ्लाई बेन का सबसे पहला फ्लाइंग टाइप एलियन है। आज हम बेन के स्टिंग फ्लाई के साथ बिंटन में दिखाए गए सभी स्टिंग फ्लाई स्पीसीज को जानेंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टिंगफ्लाई बेन का सबसे पहला फ्लाइंग टाइप एलियन होने के साथ साथ एक ऐसा एलियन भी है जिसके नाम को बेन ने ऑन स्क्रीन में दिया था। बिंटन क्लासिक टाइमलाइन का ये एक ऐसा एलियन है जो कि बहुत ही ग्रेवली बात करता है, लेकिन डोंट ड्रिंक द वाटर एपिसोड में 4 साल के स्टिंगफ्लाई का वॉइस बहुत ही हाई पिच था। बिंटन डिस्ट्रॉयल एलियन मूवी में हमें जो स्टिंगफ्लाई देखने को मिला था उसका बॉडी पौधों से और उसके पंख रियल लाइफ इंसेक्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। स्टिंगफ्लाई अपने आंखों से जो स्लाइम रिलीज करता है वो रबर सीमेंट और गर्म ओट मिल्क से बना है जिसे एक अलग तरह का स्मेल आता है। बेन 23 के हीरो वॉच में स्टिंग फ्लाई का डीएनए मौजूद है जिसका नाम है बिग बॉग। सिमिलरली बेंजारो और गोएंटेन के पास भी स्टिंग फ्लाई का डीएनए मौजूद है। बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में 16 साल का बेंटनेशन कभी भी स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, बट इस सीरीज के फोर्जो क्रिएशन वाले एपिसोड में 10 साल का बेंटनेशन स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हुआ था। उस सीरीज में हमें एलियन सिर्फ एक ही बार देखने को मिला था। दूसरी स्टिंग फ्लाई स्पीसीज की बात किया जाए तो इंकार्सी कन में हमें एक लेपिडोटेरन प्रिजनर देखने को मिला था जो कि अब मर चुका है, और अंडर टाउन में हमें एक बेबी स्टिंग फ्लाई एलियन देखने को मिलता है जिसका नाम है बॉज, और देखने में बॉज बहुत ही क्यूट था। अगर बात किया जाए लेपिडोटेरन फ्यूजन्स की तो सीरीज में स्टिंग फ्लाई के हमें कई फ्यूजन्स दिखाया गया है जैसे स्टिंग आर्म्स जो कि फोर आर्म्स और स्टिंग फ्लाई का फ्यूजन है। मैक्स टेनिसन के साथ भी स्टिंग फ्लाई का फ्यूजन हमें देखने को मिला है, साथ ही हमें डिट्टो और लेपिडोटेरन का फ्यूजन भी देखने को मिला है। स्टिंग फ्लाई के पास 4 आंखें हैं, साथ ही उसके पास 360 डिग्री का विजन पावर भी है। ये क्लासिक कंटिन्यूटी के उन चारों एलियंस में से एक है जिसका बेबी फॉर्म हमें देखने को मिला है, बाकी तीनों ही फोर आर्म्स हीट ब्लास्ट और वाइल्ड मॉड। इनके स्पीसीज का नाम है लेपिडोप्टेरन। ये वर्ड इंसेक्ट लेपिडोटेरा को रेफर करता है जो कि बटरफ्लाइज और मॉन्स का मिक्सचर है, और टेरा का मीनिंग है जमीन। उनके दो स्केली विंग्स और उनके सर का जो डिजाइन है वो उनके इंसेक्ट होने का प्रूफ है। लेपिडोप्टेरन का पूंछ एक अल्ट्रा सेंसिटिव रिसेप्टर जैसा काम करता है। ये डॉक्टर एनिमो का एक फेवरेट एलियन है। लेपिडोप्टेरन बहुत ही शांत स्वभाव के स्पीसीज होते हैं। इनके प्लैनेट में बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं और इन लोगों को क्वीन लेपिडोप्टेरन लीड करती है। इनका नेचुरल प्रेडेटर है बॉग लिजार्ड। बस अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो को देख सकते हो। कुछ नया जानने के लिए आप लोग इस नीचे वाले वीडियो को देख सकते हो, और राइट साइड में ऑसम वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे भी चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।